नमस्कार, मैं हूं सबना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आज उधम सिंह नगर जिले के सीएमओ पंचपाल नागरिक अस्पताल खटीमा पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल और अस्पताल के आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया और खटीमा नागरिक अस्पताल में कोरोना के 50 मरीजों के भर्ती के लिए कोविड भर्ती सेंटर बनाए जाने पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्राइवेट अस्पताल आईएमए से भी बात कर कोविड सेंटर में अपनी सेवाएं देने की बात कही। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ से कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नागरिक अस्पताल के सामने चल रहे पैथोलॉजी लैब में अनियमितताओं को देखकर उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई। आइए पूरी खबर जानते हैं खटीमा से हमारे संवाददाता केदार सोनकर की इस रिपोर्ट में। क्या आपने क्या है उसका कितने उसमें कितने लोगों को, जैसे कि आपको विदित है कि कोरोना का संक्रमण चल रहा है। आज मैं खटीमा चिकित्सालय में हमारे 50 बेड की जो हमें या डीसीसी या डीएससी बनाने के लिए हुआ, इस बीच मेरे आईएमए वालों से और डॉक्टर आरिफ से यहाँ मीटिंग हुई। उन्होंने कह रखा है कि अगर आप यहाँ डीसीएससी बनाते हो तब भी हम अपनी पूरी सेवा यहाँ देंगे। तो मैं इसीलिए यहाँ पर अपना एक देखने के लिए आया था कि हमें 50 बेड का यहाँ बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। तो मैंने सीएमएस को निर्देश दिए थे कि यहाँ पर जो भी हो आप मुझे कार्य करें। हमारी पूरे वार्ड में जो है ऑक्सीजन सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है। और जब मैं गेट से निकला तो मुझे सामने से पैथोलॉजी की और कुछ दिखाई दिए जिनमें कुछ लोगों का ये अनटेंड बच्चे भी है। तो इनके मालिक को हमने कहा कि कल आप पूरी रिकॉर्ड लेके मेरे यहाँ पर आ जाइए। एक न्यू खिरिंडा है और एक खिरिंडा पर पैथोलॉजी करके है, साथ में एक आपका ये बर्थमा एक्सरे के लिए है, क्योंकि एक्सरे और इनकी रिपोर्टिंग के लिए डॉक्टरों का होना जो एमडी रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए या फिर डीएमआरडी होना चाहिए, और पैथोलॉजी के लिए डीसीपी पैथोलॉजी या फिर एमडी पैथोलॉजी होना चाहिए। तो ये कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, एक एलटी के भरोसे हम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। हाँ, ये लोग सैंपल लेके केवल अगर डीएमएलटी है तो वो सैंपल लेके वहाँ दे सकता है, उससे ज़्यादा दे। इनको पूरी रिपोर्ट मेरे सीएमओ कार्यालय कर रखा है। अगर इनके वाकई निकले तो ये इनको छोड़ दिया जाएगा, अगर ये गलत निकले तो इनको इनकी कार्रवाई की जाएगी, इनको प्रशासनिक कार्रवाई की, तो सील भी कर सकता है।